हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? होप आप सब अच्छे हैं और अपनी तैयारी भी अच्छे से कर रहे हैं। सो स्टूडेंट्स, हमने जो चैप्टर स्टार्ट किया है दैट इज ह्यूमन रिप्रोडक्शन, और ह्यूमन रिप्रोडक्शन में एक पार्ट हम कंप्लीट कर चुके हैं, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, एंड द नाउ द सेकेंड पार्ट इज फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की अगर हम बात करें, इट इज प्रेजेंट इन अपर पेल्विस रीजन। फीमेल में पेल्विस रीजन क्या होता है? एब्डोमन का लोअर रीजन, और उसमें भी अपर पोर्शन में क्या प्रेजेंट है? फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या क्या है? वन पेयर ऑफ ओवरीज, एक पेयर क्या प्रेजेंट है? ओवरीज है, और उन ओवरीज के यहां से दो डक्ट निकली हुई है जिनको बोलते हैं फेलोपियन डक्ट या फिर ओविडक्ट। तो वन पेयर ही क्या है? ओविडक्ट या फेलोपियन डक्ट। फिर यहां एक वोम्ब या फिर यूट्रस, यहां पर एक ऑर्गन है बैग लाइक, दैट इज यूट्रस। एंड यूट्रस के बाद क्या है? सर्विक्स, और सर्विक्स के बाद लास्ट ओपनिंग दैट इज वेजाइना। और ये पूरा पोर्शन सर्विकल कैनाल और वेजाइना, ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं? बर्थ कैनाल बनाते हैं। और ये तो हो गए हमारे क्या, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के प्राइमरी सेक्स ऑर्गन में तो क्या आता है? ओवरीज। ये कुछ डक्ट और एसेसरी ऑर्गन्स हो गए। इसके अलावा ग्लैंड्स होती है, मेमरी ग्लैंड्स, वन पेयर मेमरी ग्लैंड्स प्रेजेंट है, और कुछ एक्सटर्नल जेनिटेलिया होते हैं। सो क्या क्या है हमारे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में? वन पेयर ओवरीज, वन पेयर ओविडक्ट, ये दोनों डक्ट, फेलोपियन ट्यूब भी बोलते हैं जिनको, एंड देन यूट्रस, देन सर्विक्स, एंड देन वजाइना, और मेमरी ग्लैंड्स और एक्सटर्नल जेनिटेलिया। अब फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे किसकी? ओवरीज की। सबसे पहली चीज, ओवरी जो है वो प्राइमरी फीमेल सेक्स ऑर्गन है। जैसे मेल में हमने जाना टेस्टीज आर द प्राइमरी मेल सेक्स ऑर्गन, यहां पर क्या है? ओवरीज आर द प्राइमरी फीमेल सेक्स ऑर्गन, एंड विच प्रोड्यूस, जैसे वहां दो चीजें प्रोड्यूस करता था, एक स्पर्म और दूसरा हॉर्मोन्स, टेस्टोस्टेरोन, एंड्रोजन या टेस्टोस्टेरोन। ऐसे यहां पर भी ओवम या एग प्रोड्यूस करता है, एज वेल एज स्टेरॉइड हॉर्मोन्स, हॉर्मोन्स बनाता है, स्टेरॉइड हॉर्मोन्स, फीमेल सेक्स हॉर्मोन, दैट इज एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। दो हॉर्मोन एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन बनाता है, ओवम या फिर एग जिसको हम कहेंगे, या फीमेल गैमेट, उसको प्रोड्यूस करती है। ये लोअर एब्डोमेन में प्रेजेंट है ओवरीज, और लेंथ अबाउट 2 to 4 centimeters है इनकी, और शेप अगर देखें तो सोलिड होती है और आलमंड शेप्ड होती है। अब एक पॉइंट, एक क्वेश्चन आपसे नहीं पूछा जा सकता, मेसोवेरियम किसका पार्ट है? तो अगर हम ओवरी की स्ट्रक्चर को देखें, तो ओवरी में बच्चों बाहर की तरफ एक एपिथेलियम की लाइनिंग है या कवरिंग है, जिसको बोलते हैं जर्मिनल एपिथेलियम। थिन जर्मिनल एपिथेलियम सराउंड कर रही है ओवरी को, दोनों को, और वो क्यूबोइडल एपिथेलियम है। एपिथेलियम में हम टाइप पढ़ते हैं ना, कोल्यूमनर, क्यूबोइडल, स्क्वेमस। तो जो ओवरी है, ओवरी की कवरिंग किस एपिथेलियम से बनी है? क्यूबोइडल एपिथेलियम से। अब उसके बाहर कुछ लिगामेंट हैं जो ओवरी को अपनी पोजीशन पर फिक्स किए हुए हैं। मींस ये ओवरी जो है ये यूट्रस से भी अटैच है, और ये पेल्विक वॉल से भी, पेल्विक वॉल मतलब जो पेल्विक रीजन है उसकी बाउंड्री से भी ये लिगामेंट के थ्रू जुड़ी हुई है। अदरवाइज क्या होगा, अगर ये किसी चीज से अटैच नहीं होंगी, तो अगर कोई आप तेज मूवमेंट करेंगे या कुछ भी करेंगे तो इनकी पोजीशन चेंज हो सकती है, बट ऐसा नहीं होता। तो अपनी पोजीशन पर फिक्स है ये, किसकी वजह से? कुछ लिगामेंट इनको यूट्रस से भी अटैच कर रहे हैं, कनेक्ट कर रहे हैं, और पेल्विक वॉल से भी जोड़ रहे हैं। तो उन्हीं लिगामेंट का एक पार्ट होता है मेसोवेरियम, जो इनको ओवरी को यूट्रस से कनेक्ट करता है। अगर अंदर देखें तो अंदर एक पार्ट है, दैट इज स्ट्रोमा, ओवेरियन स्ट्रोमा। बाहर थिन जर्मिनल एपिथेलियम है, थिन जर्मिनल एपिथेलियम, और अंदर है स्ट्रोमा। स्ट्रोमा के अंदर भी दो पार्ट में डिवाइड किया है स्ट्रोमा को भी हमने, दो रीजन में, क्या है हमारे पास? कोर्टेक्स और मेड्यूला। जो पेरिफेरल पार्ट है उसको क्या बोलते हैं? कोर्टेक्स। और जो इनर पार्ट है, इनर पोर्शन है, उसको क्या बोलते हैं? मेड्यूला। बर्थ के टाइम पे हम बात करें तो फोर लाइक उगोनिया, जो एग्स हैं, एग्स किससे बनते हैं? उगोनिया से। एग की जो मदर सेल है उसको क्या कहेंगे? उगोनिया। और अबाउट 4 lakh उगोनिया प्रेजेंट होते हैं एट द टाइम ऑफ बर्थ इन अ फीमेल। एक फीमेल में बर्थ के टाइम पर 4 lakh उगोनिया है, बट उनमें से कितने सेक्सुअल मेच्योरिटी आने तक 60,000 से 80,000 की मेच्योरिटी तक पहुंचते हैं। मींस प्यूबर्टी की जो एज होती है 11, 12 या 13, उस एज तक आने तक बाकी सारे जो उगोनिया है वो डीजनरेट हो जाते हैं। ओनली 60,000 से 80,000 उगोनिया बचते हैं,
और अगर मैच्योर होने की बात करें, हर मंथ एक गोनिया मैच्योर होता है और एग बनाता है। सो टोटल जो सेक्सुअल लाइफ होती है, एज होती है मेनोपॉज आने तक, तब तक केवल 450 एग्स ही क्या होते हैं, मैच्योर होते हैं। इस प्रोसेस को डीजनरेशन को फोलिकुलर एट्रेसिया बोलते हैं बच्चों, फोलिकुलर एट्रेसिया। इन ओगोनिया का क्या होना, डीजनरेट होना, फोलिकुलर एट्रेसिया। ओगोनिया डीजनरेट हुए हैं बर्थ से लेके कब तक, प्यूबर्टी आने तक। तो कुछ ओगोनिया उनमें से डीजनरेट हो गए, केवल 60,000 से 80,000 बचे। तो डीजनरेट होने को क्या कहते हैं, फोलिकुलर एट्रेसिया। और अगर किसी की ओवरीज को हम क्या कर दें, सर्जिकली रिमूव कर दें, तो उसको बोलते हैं ओफोरेक्टोमी। ओफोरेक्टोमी सो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हमने अब तक किसके बारे में देख लिया है, ओवरीज के बारे में, एंड देन ग्राफियन फोलिकल। ओवरीज के अंदर ओगोनिया प्रेजेंट होते हैं, ओवरी का काम है एग प्रोड्यूस करना, और एग जो बनते हैं उनके लिए कुछ स्ट्रक्चर बनती है जिनको ग्राफियन फोलिकल कहते हैं। ओगोनिया जब मेच्योर होती है तो किस फॉर्म में रहती है, ग्राफियन फोलिकल, और वो ग्राफियन फोलिकल मेच्योर होके जब रप्चर होते हैं तब एग रिलीज होता है। तो हमने उनके बारे में जान लिया। नाउ द नेक्स्ट इज एसेसरी डक्ट्स। जैसे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में एसेसरी डक्ट्स हमारे पास क्या क्या थी, रेटी टेस्टीज, वासाइफेरेंसिया, एपिडिडाइमिस एंड वास डिफरेंस। यहां पर भी कुछ एसेसरी डक्ट्स हैं। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन तो क्या हो गया, ओवरी। अब एसेसरी डक्ट्स में क्या आती है, नंबर वन इज फेलोपियन ट्यूब, एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, ओविडक्ट या फिर फेलोपियन ट्यूब बोलते हैं उसको। आफ्टर दैट देयर इज अ बैग लाइक ऑर्गन, दैट इज यूट्रस, एंड उसके बाद फिर सर्विक्स एंड देन विजाइना। ये सब मिलकर, ये चारों मिलकर क्या बनाते हैं, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में एसेसरी डक्ट्स बनाते हैं। तो सबसे पहले बात करें किसकी, फेलोपियन ट्यूब या ओविडक्ट की बच्चों। दिस इज 10-12 सेंटीमीटर लॉन्ग। कितनी लंबी होती है, अबाउट 10-12 सेंटीमीटर लंबी। अब इसको भी पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। नंबर वन, ये जो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर निकली हुई है, ये एक कैसा पोर्शन है, वाइडर पोर्शन है, फनल शेप्ड पोर्शन है। इस फनल शेप्ड पोर्शन को बोलते हैं इनफंडिबुलम। तो फर्स्ट पार्ट जो है, दैट इज फेलोपियन ट्यूब का पहला फनल शेप्ड पार्ट क्या होता है, इनफंडिबुलम। इनफंडिबुलम में भी जो ये फिंगर लाइक स्ट्रक्चर निकली हुई है, इनको बोलते हैं फिम्ब्रियाई। और फिम्ब्रियाई का क्या फंक्शन है, जो ओवरी में एग या ओवम प्रोड्यूस होते हैं उनको कलेक्ट करना, एग्स को यहां से कलेक्ट करने का काम किसका है, फिम्ब्रियाई का। आफ्टर दैट एक वाइडर पोर्शन और है, फिर सेकेंड पोर्शन फेलोपियन ट्यूब का, दैट इज एम्पुला। उसको क्या कहेंगे, इस वाइडर पोर्शन को एम्पुला। एंड द लास्ट नैरो पोर्शन ऑफ फेलोपियन ट्यूब इज नोन एज इस्थमस। आखिरी जो पोर्शन है इसको क्या बोलेंगे, ये थोड़ा नैरो हो जाता है, इसको कहेंगे इस्थमस। तो फेलोपियन ट्यूब को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है, तीन पार्ट में। पहला क्या है, इनफंडिबुलम, दूसरा क्या है, एम्पुला, एंड द थर्ड वन इज इस्थमस। इनफंडिबुलम, एम्पुला एंड द थर्ड और लास्ट क्या है हमारा, इस्थमस। और इनफंडिबुलम में जो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर निकली हुई है वो फिम्ब्रियाई। तो दिस इज फेलोपियन ट्यूब। एक टर्म और याद रखेंगे, साल्पिंजेक्टोमी। साल्पिंजेक्टोमी किसको बोलते हैं, अगर इसको रिमूव कर दिया जाए सर्जिकली, फेलोपियन ट्यूब के रिमूवल को साल्पिंजेक्टोमी बोलते हैं। एंड अब एक चीज आपको याद रखनी है कि अगर इसको कट कर दिया जाए, जो हम आगे पढ़ेंगे बर्थ कंट्रोल मेथड्स में, फेलोपियन ट्यूब को यहां से कट करके टाई अप कर दिया जाता है बर्थ कंट्रोल मेथड्स के फॉर्म में, उसको बोलते हैं ट्यूबेक्टोमी। कट करना ट्यूबेक्टोमी और सर्जिकली रिमूव करना साल्पिंजेक्टोमी। इससे पहले भी हमने दो चीजों और दो प्रोसीजर और पढ़ी थी, कट करने वाली या रिमूवल करने वाली, एक हमारा ओर्कियेक्टोमी और दूसरा ओफोरेक्टोमी। ओर्कियेक्टोमी किसको कहते हैं, टेस्टीज के सर्जिकल रिमूवल को, और ओफोरेक्टोमी ओवरीज के सर्जिकल रिमूवल को। अब फेलोपियन ट्यूब के बारे में एक चीज और याद रखेंगे बच्चों, वेयर डज फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस इन फीमेल बॉडी। फीमेल बॉडी में फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है, यहां पर, किसमें, फेलोपियन ट्यूब में। एक आंसर तो बनता है कि फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस इन फेलोपियन ट्यूब, बट सेकेंड अगर और डीपली पूछे आपसे, तो जो एम्पुला है ये वाला पोर्शन और इस्थमस, एम्पुलरी इस्थमिक जंक्शन पे कहाँ होता है, फेलोपियन ट्यूब में भी फर्टिलाइजेशन कहाँ हो रहा है, एम्पुलरी इस्थमिक जंक्शन पर हो रहा है। आफ्टर दैट हमारा सेकेंड पॉइंट है बच्चों यूट्रस। दूसरा ऑर्गन आता है एसेसरी डक्ट्स में ही क्या, यूट्रस। यूट्रस क्या है, एक इन्वर्टेड पियर शेप्ड ऑर्गन है,
इन्वर्टेड पियर शेप्ड बैग लाइक ऑर्गन है जहां पर एम्ब्रियो का कंप्लीट डेवलपमेंट होता है। फर्टिलाइजेशन कहाँ हुआ, एग और स्पर्म फ्यूज कहाँ हुए, फैलोपियन ट्यूब में, और आगे फिर वो जाइगोट बनेगा। एग और स्पर्म के फ्यूज होने से क्या बनेगा, जाइगोट। जाइगोट का होगा इम्प्लांटेशन, आगे हम जानेंगे सारी प्रोसेस। इम्प्लांटेशन यानी वो इस यूट्रस की वॉल में एम्बेडेड हो जाएगा, धस जाएगा आगे। वो प्रोसेस, वो स्टेप भी कहाँ होगी, यूट्रस में। एंड पूरा डेवलपमेंट फिर एम्ब्रियो का कहाँ होगा, यूट्रस में ही होगा। यूट्रस इज ऑल्सो नोन एज वंब और स्टेरा, सिंगल होता है। और इसको भी सर्जिकल, अगर हिस्टेरा इसको बोलते हैं तो इसके सर्जिकल रिमूवल को क्या कहते हैं, हिस्टेरेक्टोमी। हिस्टेरेक्टोमी कहते हैं इसके सर्जिकल रिमूवल को। ये पेल्विक वॉल से लिगामेंट के थ्रू अटैच रहता है बच्चों, ये चीज हमने पहले भी जानी कि ओवरी, सॉरी हमने ओवरी के बारे में जाना था, अब यूट्रस को भी याद रखोगे कि यूट्रस भी लिगामेंट्स के थ्रू किससे, पेल्विक वॉल से। जो पेल्विक वॉल है यानी कि पेल्विक रीजियन है, उसकी जो वॉल है उससे नीचे पेल्विस रीजन में यूट्रस भी क्या है, लिगामेंट के थ्रू अटैच है। अदरवाइज इसकी भी पोजीशन चेंज हो सकती है, तो ये भी लिगामेंट्स के थ्रू अपनी चारों तरफ जो पेल्विक वॉल है उससे क्या है, अटैच है। अब यूट्रस जो है बच्चों, ये जाके खुलता है सर्विक्स में। यहाँ एक पोर्शन होगा क्या, सर्विक्स, और लास्ट में सर्विक्स के थ्रू किसमें ओपन होता है, वेजाइना में। सर्विक्स के थ्रू किसमें खुलेगा, लास्ट ओपनिंग, दैट इज वेजाइना। और जो सर्विक्स का ये ल्यूमेन है, ये वाला पोर्शन अंदर की स्पेस है, इसको कहते हैं बच्चों सर्विकल कैनाल, सर्विकल कैनाल। और जो सर्विकल कैनाल है और ये वेजाइना है, दोनों मिलकर बनाते हैं बर्थ कैनाल। सर्विकल कैनाल और दूसरा वेजाइना, दोनों मिलकर बर्थ कैनाल बनाते हैं जिसके थ्रू बेबी का बर्थ होता है। अब यूट्रस की ही बात करें बच्चों, तो यूट्रस की जो ये वॉल है, ये तीन लेयर्स से बनी हुई है। यहाँ पर यूट्रस की वॉल जिसमें एम्बेडिंग होनी है जाइगोट की और पूरा डेवलपमेंट होना है, वो तीन लेयर्स से बनी हुई है टिश्यूज के। जो सबसे पहली लेयर है इसको बोलते हैं पेरीमेट्रियम, पेरीमेट्रियम। जो मिडल लेयर है इसको बोलते हैं मायोमेट्रियम, मिडल लेयर इज नोन एज मायोमेट्रियम। एंड द इनर मोस्ट लेयर इज एंडोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम। पेरी, मायो एंड एंडो। पेरीमेट्रियम यानी कि आउटर मोस्ट लेयर है और थिन मेम्ब्रेनस लेयर है, ये थिन और मेम्ब्रेनस लेयर है जो सबसे बाहर वाली है। फिर आओ जो मायोमेट्रियम पर, मायोमेट्रियम थिकेस्ट लेयर है, सबसे मोटी लेयर यही है और मिडिल लेयर है, बीच में है, सबसे मोटी है। एंड इसका फंक्शन अगर देखें तो इसका फंक्शन होता है बच्चों, जो कॉन्ट्रेक्शन होते हैं डिलीवरी के टाइम पर, ये स्मूथ मसल्स की बनी होती है। मायोमेट्रियम सबसे थिक लेयर है और मिडल लेयर है वो किसकी बनी हुई है, स्मूथ मसल्स की। स्मूथ मसल्स आप जानते हो, हमारी बॉडी में तीन तरह की मसल्स हैं, स्केलेटल मसल्स, वॉल्यूंट्री कहते हैं जिनको, जो हमारे हाथों पैर में के स्केलेटन से जुड़ी हुई है। एंड दूसरी स्मूथ मसल्स या विसरल मसल्स, जो कहा है इंटरनल ऑर्गन्स में है, जो इनवॉल्यूंट्री है, जो हमारी मर्जी से काम नहीं करती। और तीसरी कार्डियक मसल्स, जो हार्ट में है। तो यहाँ कौन सी मसल प्रेजेंट है, स्मूथ मसल्स हैं, यानी इनवॉल्यूंट्री फंक्शन होता है इनका। तो ड्यूरिंग डिलीवरी, डिलीवरी के टाइम पर इनमें स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रेक्शन होते हैं और जिसकी वजह से जो यूट्रस की वॉल है वो ऐसे अंदर की तरफ क्या होगी, कॉन्ट्रैक्ट होगी, जिससे बेबी जो है वो पुश होता है बाहर की तरफ। तो डिलीवरी के टाइम पर इन मसल्स का रोल होता है जो मायोमेट्रियम में प्रेजेंट है। थर्ड और लास्ट हमारी इनर मोस्ट लेयर है, दैट इज एंडोमेट्रियम। एंडोमेट्रियम बच्चों ग्लैंडुलर पोर्शन है पहली बात तो। दूसरी चीज इसका क्या रोल है, जो भी साइक्लिक चेंजेस आते हैं ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुअल साइकिल, फीमेल में एक साइकिल हम आगे पढ़ेंगे मेंस्ट्रुअल साइकिल, उसके ड्यूरिंग जो भी चेंजेस आते हैं, जो भी चेंजेस का मतलब क्या है, ये थिक होती है पहले ब्लीडिंग फेज, सॉरी ब्लीडिंग फेज में क्या होती है, रप्चर हो जाती है, इसमें कुछ ब्लड वेसल्स होती हैं और ये रप्चर हो जाती है ब्लीडिंग फेज में। और पोस्ट ब्लीडिंग फेज में क्या होता है, ये दोबारा रिपेयर हो जाती है और दोबारा क्या हो जाती है, थिक हो जाती है। तो पूरे 28 डेज में इसमें कुछ चेंजेस आते हैं, बनना और टूटना वो किसके अंदर होंगे, एंडोमेट्रियम में होंगे, दैट इज ग्लैंडुलर लेयर। नाउ द नेक्स्ट इज एक्सटर्नल जेनिटेलिया। एक्सटर्नल जेनिटेलिया का क्या मतलब है बच्चों, जेनिटल ऑर्गन्स विच आर प्रेजेंट एक्सटर्नली मींस आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी। अब तक हमने जिनके बारे में जाना, ओवरीज है, फेलोपियन ट्यूब है, देन यूट्रस, सर्विक्स और वेजाइना, ये सब कहाँ है, एब्डोमिनल कैविटी के अंदर। तो एक्सटर्नल जेनिटेलिया में क्या क्या आता है बच्चों, सबसे पहले है मोन्स प्यूबिस,
कुछ ऑर्गन्स है लाइक मोन्स प्यूबिस, लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा, हाइमेन, क्लाइटोरिस और बर्थोलिन ग्लैंड्स। अब एक्सटर्नल जेनिटेलिया में इनमें से पांच ही आएंगे, बर्थोलिन ग्लैंड्स ग्लैंड्स के अंदर आएगी। पहला क्या है, मोन्स प्यूबिस। मोन्स प्यूबिस किसको कहते हैं बच्चों? दिस इज अ कुशन लाइक स्ट्रक्चर ऑफ फैटी टिश्यू कवर्ड बाय स्किन एंड प्यूबिक हेयर। दिस इज अ कुशन ऑफ फैटी टिश्यूज विच इज कवर्ड बाय स्किन एंड प्यूबिक हेयर। एंड आफ्टर दिस देयर आर टू फोल्ड्स ऑफ टिश्यूज, दीज आर नोन एज लेबिया मेजोरा। दो फोल्ड होते हैं, फ्लैसी फोल्ड होते हैं टिश्यूज के, जिनको लेबिया मेजोरा बोलते हैं। एंड आफ्टर दैट दो और छोटे फोल्ड होते हैं इनके अंदर की साइड, दीज आर नोन एज लेबिया माइनोरा। एंड लेबिया मेजोरा और माइनोरा जो है ये सराउंड कर रहे हैं किसको? वेजाइनल ओपनिंग को। जो वेजाइनल ओपनिंग है उसको क्या करते हैं? सराउंड करते हैं, अबाउट थोड़ा बहुत हम ये कह सकते हैं कि कवर करते हैं। एंड उसके बाद एक मेम्ब्रेन होती है बच्चों, हाइमन। हाइमन क्या है? जो वेजाइनल ओपनिंग है उसको पार्शली एक मेम्ब्रेन कवर करके रखती है। पार्शली हाइमन एक मेम्ब्रेन है जो वेजाइना की ओपनिंग को पार्शली कवर करके रखती है। एंड आफ्टर दैट क्लाइटोरिस। क्लाइटोरिस क्या है बच्चों? क्लाइटोरिस एक टाइनी फिंगर लाइक स्ट्रक्चर है, एक बहुत छोटी फिंगर लाइक स्ट्रक्चर जो कहां है? जो लेबिया माइनोरा है, दो अंदर वाले फोल्ड है इनके अपर जंक्शन पर, यूरिथ्रल ओपनिंग जो है उसके भी ऊपर की तरफ। यूरिथ्रल ओपनिंग यानी यूरिथ्रा पास आउट होता, यूरिन पास आउट होता है, सॉरी यहां से उसके ऊपर की तरफ, दोनों लेबिया माइनोरा के जंक्शन पर ऊपर एक फिंगर लाइक स्ट्रक्चर है बहुत छोटी, जिसको क्लाइटोरिस कहते हैं। और इसे हम होमोलोगस मान सकते हैं, किसके? मेल में या मैन में जो पेनिस होती है उसके होमोलोगस स्ट्रक्चर है ये, होमोलोगस टू द पेनिस इन मैन। और एक चीज और इसके बारे में आप रखेंगे, मोस्ट सेंसिटिव पार्ट ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का सबसे सेंसिटिव पार्ट होता है। इसके बाद बच्चों जाने लास्ट बर्थोलिन ग्लैंड्स के बारे में। बर्थोलिन ग्लैंड्स क्या है? जैसे बिल्कुल मेल में या मैन में बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड हमने पढ़ी थी, बल्बो यूरिथ्रल या कोपर्स ग्लैंड, बहुत छोटी छोटी दो ग्लैंड्स थी जिनका काम था ल्यूब्रिकेशन। ऐसे ही फीमेल में बर्थोलिन ग्लैंड्स है, इनको ग्रेटर वेस्टिबुलर ग्लैंड्स भी बोलते हैं। पी साइज ग्लैंड है दोनों, वेजाइना के यहाँ, वेजाइना में दो पी साइज कंपाउंड रेसिमोस ग्लैंड्स है एट द ओपनिंग ऑफ वेजाइना, और एक म्यूकस सीक्रेट करती है टू ल्यूब्रिकेट द पैसेज ऑफ वेजाइना। एंड ये किसके होमोलोगस है? बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड जो मैन में है उनके होमोलोगस। तो एक्सटर्नल जेनिटेलिया पांच है, मोन्स प्यूबिस, लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा, हाइमन एंड देन क्लाइटोरिस। और बर्थोलिन ग्लैंड जो है वो फीमेल में होमोलोगस स्ट्रक्चर टू द बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड ऑफ मैन। नाउ द नेक्स्ट एंड लास्ट पार्ट ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज मेमरी ग्लैंड्स। मेमरी ग्लैंड्स का प्रेजेंट होना इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ मेमेरिया क्लास। जो इस क्लास में ह्यूमन बीइंग आता है, मंकीज आते हैं या जितने भी प्राइमेट्स हैं उन सब में मेमरी ग्लैंड्स पाई जाती है। मेमरी ग्लैंड्स किसके लिए होती है? टू सीक्रेट, टू प्रोडक्शन, फॉर द प्रोडक्शन ऑफ मिल्क एंड टू फीड द यंग वंस। बेबीज को फीड कराने के लिए मिल्क सीक्रेशन या मिल्क प्रोडक्शन इन ग्लैंड्स के थ्रू होता है। अब ये जो ग्लैंड्स हैं ये दो चीजों से बनी है बच्चों, ग्लैंडुलर टिश्यू जो मिल्क को बनाता है, प्रोड्यूस करता है और सीक्रेट करता है, एंड फैट और एडिपोज टिश्यू। और जो साइज है ब्रेस्ट का वो फैट या एडिपोज टिश्यू की अमाउंट पर ही डिपेंड करता है, और वो डिटरमाइंड होता है बाय द अमाउंट ऑफ एस्ट्रोजन हॉर्मोन। नाउ अब अगर इसकी स्ट्रक्चर देखें तो मेमरी ग्लैंड्स जो है, पहली बात तो वन पेयर है, मेमरी ग्लैंड्स आर प्रेजेंट इन पेयर। एक पेयर में मेमरी ग्लैंड्स में 15 से 20 मेमरी लोब्स होते हैं। हर मेमरी ग्लैंड कुछ लोब्स की बनी हुई है, 15 to 20, जिनको बोलते हैं मेमरी लोब्स। हर लोब के अंदर देखें तो कुछ स्ट्रक्चर है जिन्हें बोलते हैं एल्वियोलाई। एल्वियोलाई आर द स्ट्रक्चर विच प्रोड्यूस एंड सीक्रेट मिल्क। मिल्क को बनाने वाली और सीक्रेट करने वाली जो स्ट्रक्चर है या सेल्स है वो क्या है? एल्वियोलाई है। इनके अंदर एक स्पेस है जिसको बोलते हैं एल्वियोलर सैक, और वो सैक जो है वो खुल रहा है किसमें? डक्ट में। एल्वियोलर सैक किसमें खुलता है? एल्वियोलर डक्ट में। अब यहाँ दो हॉर्मोन रेस्पॉन्सिबल होते हैं बच्चों इसके लिए, एक प्रोलैक्टिन और एक ऑक्सीटोसिन। प्रोलैक्टिन किससे बन रहा है? पिट्यूटरी। प्रोलैक्टिन हॉर्मोन है ये तो प्रोडक्शन करवाएगा, सीक्रेशन प्रोडक्शन करवाएगा मिल्क का। और जो ऑक्सीटोसिन है ये इजैकुलेशन कराता है, मींस मिल्क को निकालने के लिए कौन सा हार्मोन रेस्पॉन्सिबल है? ऑक्सीटोसिन, जो मसल्स को क्या करवाता है? कॉन्ट्रेक्शन करवाता है।
एंड बनाने के लिए कौन सा हॉर्मोन रेस्पॉन्सिबल होता है? प्रोलैक्टिन। अब स्ट्रक्चर अगर देखें तो इन लोब्स के अंदर क्या है? एल्वियोलाई। सबसे बाहर जो स्ट्रक्चर है लोब्स 15 से 20 उनके अंदर क्या है? एल्वियोलाई। और एल्वियोलाई के पास एल्वियोलर डक्ट है। हर डक्ट खुलती है मेमोरी ट्यूब्यूल्स में। ये सीक्वेंस आपको याद करना है, बहुत अच्छे से फ्लो चार्ट बना के कर लेंगे कि पहले लोब्स है फिर उसके बाद एल्वियोलाई है, अंदर एल्वियोलर डक्ट है, डक्ट खुल रही है ट्यूब्यूल्स में, मेमोरी ट्यूब्यूल्स। मेमोरी ट्यूब्यूल्स बहुत सारी एक जगह कनेक्ट होकर बनाती है मेमोरी डक्ट, और मेमोरी डक्ट फिर एक और पोर्शन में खुलती है मेमोरी एम्पुला, और एम्पुला जाके खुलती है फाइनली लैक्टिफेरस डक्ट में। ये देखिए ये लोब्यूल्स है और लोब्यूल्स में ये एल्वियोलाई है, और ये ट्यूब्यूल्स में खुले, ट्यूब्यूल्स डक्ट में, और डक्ट एम्पुला में, और एम्पुला लास्ट में लैक्टिफेरस डक्ट में, जिसके थ्रू मिल्क इज इजेक्टेड आउट। अब एक चीज और आप समझेंगे, कोलोस्ट्रम क्या है बच्चों? कोलोस्ट्रम इज द फर्स्ट मिल्क। पार्टुरेशन से पहले यानी डिलीवरी से पहले जो मिल्क बनता है और शुरू के 3-4 दिन तक जो आता है उसको बोलते हैं कोलोस्ट्रम, और उसमें एंटीबॉडी ए होती है। ये क्वेश्चन हमें याद रखना है, ये चीज याद रखनी है कि कोलोस्ट्रम में कौन सी एंटीबॉडी है? एंटीबॉडी ए। ऐसे याद रख लेना इसे कि पहला फीड मिल रहा है, पहला खाना मिल रहा है बच्चे को, तो पहली एंटीबॉडी कौन सी मिल रही है? एंटीबॉडी ए। और बहुत सारे मिनरल्स होते हैं इस मिल्क में। आफ्टर 3 to 4 days ऑफ पार्टुरेशन क्या होता है? फ्रेश मिल्क सीक्रेट होता है। ब्रेस्ट कैंसर की स्टडी को मैमोग्राफी बोलते हैं, और इसका अगर रिमूवल करना पड़े सर्जिकल तो उसको मैस्टेक्टोमी बोलते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बच्चों। इसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम जानेंगे गैमेटोजेनेसिस यानी स्पर्मेटोजेनेसिस एंड ऊजेनेसिस। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, खुश रहिए। थैंक यू।